वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर थ्री चल रहा है दोस्तों। टाइगर थ्री ने कल शानदार 3 दिन कंप्लीट करके आज चौथे दिन में एंट्री मार ली है और जबरदस्त कमाई कर रही है और जबरदस्त रफ्तार में आगे बढ़ रही है। इस साल की 3rd biggest मूवी है जिसने नेट इंडिया से फास्टेस्ट 100 करोड़ कंप्लीट करे और पूरी दुनिया से 200 करोड़ कंप्लीट करे हैं। मैं सब सभी बताऊंगा एक एक करके, पहले दिन कितनी कमाई करी है, कल का दिन कैसा रहा है, आज कैसी कमाई ये मूवी कर रही है। हालांकि आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का नॉकआउट मैच है तो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वही देखेगी, लेकिन आज भी ये मूवी कैसे सर्वाइव कर रही है, उसके बाद कल को रुझान कैसा रहा था, थोड़ा पीक स्लो होते नजर आ रही है। दूसरा, आज के बाद कल से प्रॉपर वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाएंगे और जो सैटरडे में शायद एक बार के लिए उछाल देखने को मिलेगा। एक एक करके बात करते हैं कौन सी मूवी के रिकॉर्ड ये अभी तक तोड़ चुकी है और कितनी कमाई ये अभी तक कर चुकी है और कितनी कमाई ये मूवी कर सकती है, तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब आपको काम पसंद आ जाए एक आध मिनट में, तब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डे वन का बताऊं तो मूवी ने ओपनिंग शानदार करी, बहुत अच्छी कमाई करके लाई। नेट इंडिया से 44.5 करोड़, पूरी दुनिया से 94 करोड़ का कलेक्शन। बात करें दूसरे दिन की तो ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 58 करोड़ का रहा है और ओवरसीज से सेकंड डे पर थोड़ा सा रुझान कम देखने को मिला, 15 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से 73 करोड़ की कमाई करते नजर आई थी। कल डे थ्री में कैसा रहा है, डे थ्री में थोड़ा रुझान और थोड़ा नीचे जाते दिखा है। कल प्रॉपर वर्किंग डेज भी नहीं था, हॉलीडे भी चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। तो कल डे थ्री में नेट इंडिया से 40 करोड़ आता दिख रहा है, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 39 करोड़ की कमाई ये मूवी करते नजर आ रही है, जिसमें से ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ आता दिख रहा है और ओवरसीज से 12 करोड़ की कमाई ये मूवी करते नजर आ रही है। पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 60 करोड़ के कलेक्शन अपने खाते में लाते दिख रही है, जो कि एक ह्यूज कलेक्शन है। तो पहले 3 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाता है, 141 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 3 दिन में ही 227 करोड़ के आंकड़े को कवरअप कर लेती है। तो ये मूवी अब 3rd biggest बन चुकी है इस साल की पठान और जवान के बाद, जिसने 100 करोड़ मात्र 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लिए थे नेट इंडिया से, और फास्टेस्ट वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का आंकड़ा मात्र 3 दिन के अंदर ही टच कर लिया था। तो भाई साहब, ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि दिवाली के टाइम पर यह मूवी रिलीज हुई है, उसके बाद भी ये मूवी अच्छी खासी ग्रोथ करते नजर आ रही है। लेकिन कल को थोड़ा पीक डाउन देखने को मिला है और आज तो वैसे भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है तो और थोड़ा पीक डाउन नजर आने वाला है। तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज चौथे दिन में कैसी कमाई चल रही है। तो हिंदी 2D से 5 करोड़ का एडवांस कलेक्शन करते नजर आई थी ये मूवी, और टोटल टिकट इन्होंने बेचे हैं आज सारी लैंग्वेज को मिलाकर, तमिल, तेलुगु, IMAX वर्जन, हिंदी 4DX वर्जन, आइस वर्जन और हिंदी सिंगल 2D स्क्रीन्स को मिलाकर 2.5 लाख टिकट इन्होंने भेजे हैं सिर्फ एडवांस से। लेकिन यहाँ पर काम ये हो रहा है कि एडवांस बहुत कम देखने को मिल रहा है, वॉकिंग ऑडियंस का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे कल भी एडवांस कोई ज़्यादा नहीं थी, 11 करोड़ के आसपास थी, फिर भी उसके बावजूद भी पूरी दुनिया से ये मूवी 60 करोड़ की कमाई करते नजर आई। वॉकिंग ऑडियंस अच्छा खासा रेस्पॉन्स दे रही है, मतलब रिव्यू अच्छे मिले हैं मूवी को, बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं, उसके बाद लोग जा रहे हैं थिएटर में, ऑन द स्पॉट बुक कर रहे हैं, दैट्स वाई कि हमें आंकड़ा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो आज ये मूवी कितनी कमाई करते नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले टोटल एडवांस बुकिंग आज की हुई है लगभग में लगभग 6 करोड़ के आसपास। तो आज कितना कमाते नजर आ रही है, फ्लेक्सिबल हॉलीडे है, आज भाई दूज है, कहीं कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कई जगह हॉलीडे है, कई जगह प्रॉपर वर्किंग डे है, तो आज वैसे भी कमाई स्लो होते नजर आ रही है। तो लगभग में लगभग 35 करोड़ नेट इंडिया से आ रहा है ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 34 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 45 से 47 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है एंड ऑफ द डे तक। तो होप सो कि ये मूवी 50 करोड़ भी टच कर जाए, देखा जाएगा आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी आज 50 करोड़ की कमाई करते नजर आएगी। देखा जाए तो डे 4 पर जवान ने ह्यूज कलेक्शन किया था, सिंगल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी से ही 71 करोड़ की कमाई करी थी, और आज के दिन मतलब डे 4 पर आई थिंक 140 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। वो इसलिए भी था क्योंकि संडे प्रॉपर हॉलीडे था और उसके सामने कोई मूवी थी भी नहीं, दैट्स वाई कि जवान ने इतना ह्यूज कलेक्शन किया था। लेकिन क्या टाइगर 3 आज हाफ सेंचुरी मार देगी या फिर 50 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रख पाएगी, जो भी आपकी राय है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और आपने मूवी देख ली तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।